आज हिंदी में होगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे फरमाइश की है कि आप हिंदी में नहीं बोलते, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको शायद इंग्लिश इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ठीक है हिंदी में भी बात कर लेते, राइट। और बात क्या करनी है, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको सही वर्ड दिए, सही वर्ड्स, राइट। तो तीन टेक्निक है मेरे, जिसको मैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बोलती हूँ। मतलब आप जिससे आपका आप के रिजल्ट बहुत सारे हो जाए, राइट। उस टाइम तो सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, राइट। और लेकिन ड्रीम्स बहुत सारे होते हैं, तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। और आप काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपका माइंड कभी इधर कभी उधर भागता है, और जिंदगी में बहुत सारी और भी उलझने हैं जो आपको आपको करना है, रिजॉल्व करना है। तो फाइनली ये होता है कि आप एक्चुअली टाइम ही नहीं दे पाते हो जिस काम को करना है। तो सब जब आप प्रायोरिटी सेट करते हो ना, तो प्रायोरिटी सेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपके उलझने आपके दिमाग को इधर उधर करके डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। डिस्ट्रैक्ट करते हैं मतलब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपका दिमाग इतना उलझा हुआ है कि आप दूसरा कुछ करने में लग जाते हो, और दूसरा जो करने में लग जाते हो तो जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपको वो पसंद ही नहीं है लेकिन आपको लगता है कि ये काम तो करना ही था, राइट। तो सबसे ज्यादा जिससे डर होता है आपको, जैसे बॉस का डर हो, तो जब होता है तो आप सबसे पहले वही काम पकड़ते हो, राइट। और जो कि आपको वो करने में मजा नहीं आ रहा होता है तो आप उसको खत्म नहीं कर पाते हो, राइट। तो काम को करते हुए आपको मजा आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल परसों से मैं कई सारे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे कई प्रोबेबल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला, जिनको मैंने बोला है कि आपका जो भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में है, किसके लाइफ में नहीं है, सबके लाइफ में है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है, आप उसको लिख सकते हो क्या? तो सॉल्यूशंस एक्चुअली लोगों के दिमाग में जल्दी नहीं आते, आपने गौर किया है, सल्यूशन नहीं आते। आप प्रॉब्लम में इतने फंसे पड़े होते हो कि आपको सल्यूशन नजर ही नहीं आते, आपने गौर किया है? अगर आप आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं है, तो आप एक बार ना अपने जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन ढूंढ के दिखाओ, आप लिखो उसको, राइट। फिर आप ये लिखो कि आप क्या चाहते हो, राइट, कि जिंदगी आपकी कैसी हो। आपको अगर बोला जाए कि आप जैसे ही जिंदगी आप डिसाइड करोगे वैसे ही जिंदगी आपको मिल जाए, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे ना कहीं कि जिंदगी में मेरी ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो चीज ऐसी होनी चाहिए, मुझे ये सब मिल जाना चाहिए और परेशानी ये सब हट जानी चाहिए, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? आप लिखो, जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हट जाने के लिए आप सोच रहे हो ना, जो परेशानी, वो एक्चुअली आपने पकड़ के रखा है, तभी वो हट नहीं रही, वरना वो हट जाती पहले से। क्या आपको ये अंदाजा है कि आप पकड़ के रखे हो उस सारे परेशानियों को? अगर नहीं है तो आप लिखना शुरू करो, देखोगे आप कि आपने पकड़ के रखा है तभी वो है। और आप जब लिख देते हो तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग से जाने लगता है, मतलब परेशानियां हल होने लगती है। तो आप मुझे बोलोगे कि इतनी सिंपल सी बात कैसे हो सकती है, परेशानियां इतनी बड़ी हैं यार कैसे हो सकती है? अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां जो आपकी हैं शायद वो हल नहीं होंगी, छोटी छोटी परेशानियां तो हो सकती है ना आपकी जिंदगी। आप छोटे बड़े हर तरह की परेशानियां पकड़ के रखे हो, तो आप सारी परेशानियां लिख दो और कुछ को आप बड़े, जैसे भी आपकी मर्जी हो,
बड़े, मीडियम साइज और छोटे, ऐसे करके आप क्लासिफाई कर दो, राइट? कर सकते हो, ये आराम से कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं, आप कर दो, ठीक है? उसके बाद ना आप फिर प्रॉब्लम आप अभी लिखिए, उसके बाद आप सोल्यूशन लिखना शुरू करो। तो आपने नंबरिंग किया होगा ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। मान लीजिए कि 100 प्रॉब्लम्स आपके हैं, 100 आपके होंगे नहीं, ताजुब की बात तो ये होगी, आप मुश्किल से 15 परेशानियां आप गिन पाए तो बहुत है। बहुत ही दिक्कत अगर आपको है तो आप 30 परेशानियां लिखेंगे, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपने कई परेशानियों को रिपीट किया हो, या फिर दूसरे वर्ड में बदल के लिखा हुआ, या फिर पहले से ही आपने एज्यूम कर लिया कि इसके सोल्यूशन नहीं है, तो आप उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए। तो एक ही प्रॉब्लम के कई सारे एक्सटेंशन आपने लिख लिए, जिसको आपने अलग अलग प्रॉब्लम समझ के रखा है, ठीक है? तो आप ये एक्सरसाइज कर लो, करने के बाद आप सोल्यूशन लिखोगे, राइट? हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखोगे, आपको ताज्जुब होगा जान के। ये तो प्रैक्टिस आपको कोई नहीं करवाता ना, अभी तक आपने कभी नहीं किया होगा। और अपने आप को बताने में भी आपको शर्म आएगी कि यार प्रॉब्लम तो कुछ भी था नहीं, मैं यूं ही परेशान हो रहा था, या फिर हो रही थी। और वैसे जब होगा तो शर्म के मारे आप जबरदस्ती प्रॉब्लम और सारे बढ़ा लोगे, ठीक है? तो लेकिन इसमें क्या होगा कि ये प्रॉब्लम लिखना और सोल्यूशन लिखना, ये आपको किसी को दिखाना है नहीं, आप खुद खुद ही देखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे पास आना, नहीं, आप किसी के पास नहीं जाओगे, आप खुद से लिखना और सोल्यूशन भी उसका लिखना, राइट? अच्छा, और फिर 2 दिन छोड़ दीजिए। तीसरे दिन आप फिर से अपना प्रॉब्लम लिखना, राइट? जो भी प्रॉब्लम आपके लगते हैं अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप वो प्रॉब्लम लिखना, डेफिनेटली कम हो गए, ठीक है? जो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश आपने कभी नहीं की थी ना, तो आपके माइंड को पता ही नहीं है कि सोल्यूशन भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अच्छा, जब मैंने ये शुरू किया था ये कोर्स, तो कैसे शुरू किया था आपको पता है क्या? वो वैसे शुरू किया था कि मैंने हर नौकरीशुदा लोगों को, मेट्रो में मैं आती जाती रहती हूँ, उसके पहले मैं बसेस में आती जाती थी, ट्रेन्स में आती जाती थी, हर कहीं लोग परेशान हैं वही सेम प्रॉब्लम को लेके। हर एक के ऑफिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बॉस के साथ है, नहीं तो फिर अपने पीयर्स के साथ है, अपने साथ जो काम कर रहे होते हैं उनके साथ है, नहीं तो फिर आपके जूनियर्स के साथ, की वो बात नहीं मानता, नहीं मानती, या फिर कुछ अपने मन से ही करता है, इस तरह की। अगर आप इनको लिखो कि किस किस पे आप बहुत ज्यादा नाराज हो, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, आप देखेंगे कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई मेरे जूनियर अगर बात नहीं मान रहा है या नहीं मान रही ना, इसका मतलब है कि उसके कुछ आइडियाज हैं जो मैं देख नहीं पा रही, इसीलिए वो जबरदस्ती चाहती है कि मैं उसके उस आइडिया को देखूं, या फिर वो डिमांड कर रहा है कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं उसको थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा स्पेस दूं, मतलब थोड़ा सा खुलेपन उसको चाहिए, जहां पे वो एक्सपेरिमेंट कर पाए। उसमें क्या होगा, फेल होगा या फिर पास हो जाएगा, मतलब अगर पास हुआ तो मेरे पास मेरे आइडिया के अलावा एक और आइडिया होगा, राइट? और अगर फेल हो गया तो कोई बात नहीं, सीखा तो वो उससे, तो फिर आगे वो रेस्पेक्ट करने सीखेगा कि अच्छा इन्होंने बोला था। लेकिन और उसके दिमाग में ना एक एक्सपेरिमेंट करने का, एक जो मेंटल एक्सरसाइज करने का, आप चाहते हो ना कि आपके पास जितने बंदे हो वो अपने दिमाग से काम करे, ताकि आपके दिमाग पर बोझ कम हो। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को पनपने ही नहीं देते, ये आपने देखा ही है, पनपने नहीं देते, मतलब वर्क प्लेस इश्यूज के बारे में बोल रही हूँ कि जूनियर के बारे में बोल रही हूँ, और जो अपने साथ वाले काम कर रहे हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हो?
टीम बनाने के लिए कोशिश अगर करो तो उनके फायदे के लिए भी सोचो। आपने कोई ठेका नहीं लेके रखा है कि हर एक का अच्छा भला ही सोचोगे, लेकिन जब आप कुछ कर रहे हो और अगर आपको उसमें उस इंसान का अगर सपोर्ट होने से आपको फायदा होने वाला है, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो बंदा या बंदी आपके टीम में इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि आपका काम उससे आसान होता है। तो आप उसको नकारो नहीं, आप उसको कंपिटिटर मत समझो। आप पे चॉइस है कि आप उसको कंपिटिटर समझ के वो है इग्नोर मारोगे या फिर उसको साथ लेके दोस्ती करके उससे काम निकालो। सारे कोई एक जैसे नहीं होते, प्रॉब्लम्स तो आपको कई सारे आएंगे, लेकिन आप कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। आप अगर अच्छे दिल से पहले से ही नेगेटिव सोच के क्यों चलना, पहले से कुछ पॉजिटिव सोच के चलिए कि वो बंदा जो है आपकी बात मान जाएगा, राइट? वो चलिए। सीनियर्स के साथ क्या है कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? आप दुनिया भर को समझा दोगे, अपने सीनियर्स को नहीं समझा पाओगे, ये तो ट्रुथ है। तो तभी क्या करना है? अब सीनियर्स क्यों नहीं समझते भाई? उनको और मतलब बड़े तौर पे उनको देखना होता है, राइट? आप ही का प्रॉब्लम नहीं है, उनको और भी लोगों का प्रॉब्लम लेके चलना है और सारे में सिनर्जी लेके क्रिएट करके चलना है। कहीं पे अगर उनको लगता है कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में उनका ज्यादा टाइम ले लिया, तो वो क्या करेंगे? वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, परेशानियां क्रिएट करेंगे और आप आगे जाके फेल ना हो इसीलिए वो अभी से आपको रोक देंगे। अब मानते हैं कि ये गलत तरीका है क्योंकि आप वो अपने जूनियर के साथ तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा प्रूव करने में टाइम लगेगा। एक छोटा सा ट्रिक मैंने डेवलप किया, वो अगर आप कर पाओ तो, वो प्रैक्टिस से होता है, वो मेरे इस कोर्स में है। अब वो प्रैक्टिस क्या है, मैं अगर बताऊं तो आप बोलोगे ये भी कोई प्रैक्टिस है, लेकिन आपको मैं बोलूं कि ऐसे होता है और आप कोशिश करो तो आपसे हो नहीं पाएगा। आपको ये पूरा जो प्रैक्टिस मैं बता रही हूँ ना अपने कोर्स में, वो सारा करना ही पड़ेगा, तब जाके आप उस वहां तक आप पहुंचोगे। ये टेक्निक होता है, टेक्निक। आप अचानक से ग्रेजुएशन तो पास नहीं हो सकते ना, आप अभी नर्सरी में हो। मैं अगर बता दूंगी ग्रेजुएशन का भी कोर्स तो आप पास हो जाओगी क्या? नहीं, नहीं, राइट ना? तो आपको धीरे धीरे करके हर एक स्टेज को पार करते जाना होगा। तो उसमें होता क्या है कि एक दूसरा लेवल होता है। आपका बॉस जो होता है वो किस लेवल पे सोच रहा है अगर आपको समझ में आता है, तो आप उस नाड़ी को समझो, उस नब्स को पकड़ो। उस नब्स से अगर आप ऑपरेट करने की कोशिश करोगे तो वो आपकी बात मानने लग जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो 2 दिन के लिए 2 मिनट के लिए मानते हैं, 2 दिन के लिए मानते हैं, फिर 2 घंटे के लिए मानते हैं, या फिर 2 महीने के लिए मानते हैं, फिर 2 साल के लिए मानते हैं। 2 साल के लिए मान लिए तो इससे अच्छा क्या, 2 साल के बाद किसको पता है कि क्या होगा, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी ना। 2 साल के लिए तो उनका साथ आपको मिल जाएगा, राइट? अब देखिए, ये सारे आप कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, और आप खाली परेशान होते रहे और कंप्लेन करते रहे, होगा क्या? आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और जो आप बड़े बड़े ड्रीम लेके रखे थे दुनिया में, जिंदगी में कुछ करने का, कुछ भी करने का, वो जो सोल्यूशन आपने लिखा था, वो सारे सोल्यूशन करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, अपने आप तो होगा नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो अपने आप सुलझ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको एफर्ट डालना पड़ता है। वो एफर्ट डालने के लिए आपके पास टाइम किधर है, माइंडसेट कहाँ है, वो जो स्किल्स आपको चाहिए होंगे वो कहाँ है, वो डेवलप नहीं कर पाएंगे आप अगर वेस्ट करेंगे एनर्जी और टाइम। तो और अगर मान लीजिए कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ी देर से मुझे एक फाइल कंप्लीट करनी है, और एक और कॉल, मेरे जो टारगेट हैं आज रात के सोने तक, अभी कितना बजा है, 8:30 हुआ है, शाम रात को 11 बजे तक, मेरे सोने तक जो भी टाइम बचा है, इसमें मुझे 2-3 काम करने हैं, एटलीस्ट 50% काम आज खत्म कर देना है।
और अगर इसी टाइम में मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ कि किसी का फोन आ गया और मैं परेशान हो गई, तो क्या मैं वो काम कर पाऊंगी? नहीं ना, नहीं कर पाऊंगी। इसी तरह मैं कुछ सोच ली तो हो पाएगा क्या? कोई मूवी देख लिया, मूवी देखने का मन कर लिया, हो पाएगा क्या? तो ये जो डिसिप्लिन है ना, अपने माइंड को डिसिप्लिन रखने का, ताकि आज का जो टारगेट है वो टारगेट हो, टारगेट आप पूरा कर पाए। अभी आप बोलेंगे कि मन अगर मूवी देखने का हो रहा है तो नहीं देखे क्या? जरूर आप देख सकते हैं आपकी, लेकिन अगर माइंड अगर डिसिप्लिन है ना, और प्रायोरिटी अगर आपको सेट करनी आती है, और आपको पता है कि परसों आपका डेडलाइन है, तो आज का टाइम तो आप वेस्ट कर ही नहीं सकते। आपका माइंडसेट भले ही कहीं इधर उधर भाग रहा हो, और ये भागता रहेगा जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लगाएंगे, तो नहीं होगा, राइट? तो ये सारी टेक्निक्स जो है इस कोर्स के अंदर है। आप देखोगे बहुत ही छोटी छोटी चीजें, और हर बंदे का जो प्रॉब्लम होता है वो खुद उसको खुद को काफी यूनिक लगते हैं। उसको लगता है कि उसमें जो उसको जो प्रॉब्लम्स है वो किसी और को है ही नहीं, ये सारे प्रॉब्लम उसी को ही है। लेकिन बात क्या है पता है? जो भी प्रॉब्लम है, अब उनका बॉस आपका बॉस तो सेम नहीं है, लेकिन बॉस तो बॉस ही है, उनका बॉस आपका बॉस बॉस है। तो इसीलिए इस टाइप उनका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम, टाइप एक ही है। तो एक ही टाइप का जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस यूनिक है, ठीक है? ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा। अब प्रैक्टिस नहीं बोलते, टेक्निक बोलते हैं, ये टेक्निक है। प्रैक्टिस तो आप आज करो फिर छूट जाए तो गया, लेकिन एक टेक्निक है जो आप दिमाग में एक बार ले लेते हो, आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर वो जिंदगी भर रह जाती है प्रैक्टिस बन के, और आप इसको आपको मजा आएगा करते हुए। जो आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी नौकरी का टाइम है आपका, मैं समझती हूँ कि 10 साल आपकी नौकरी हो गई है, और इस साल इस इतने टाइम में आपने जितना टाइम वेस्ट किया है, उस टाइम में अगर आप ये डिसिप्लिन को एक्सेप्ट कर लेते, ये टेक्निक को एक्सेप्ट कर लेते, तो जिंदगी मजेदार बन जाती। आप देखते कि आपने दिमाग में कुछ खेला, दिमाग में कुछ लिया, और बाहरी बाहरी जो दुनिया है वो बदलने लगी। आपने सुना है ना वो, कि आप खुद को बदलो तो दुनिया बदल जाती है, वो मैजिक होने शुरू होता है। आप करके तो देखो, आप करोगे नहीं कंप्लेन करने से कैसे होगा? तो इसलिए भी ये कोर्स है, और आपको लगेगा कि इससे चलो यार चल रहा है जैसे भी है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे भी चल रहा है ठीक है, तो हमको कौन रुके? ठीक है, जीने के कई सारे तरीके हैं। आप एकदम से परेशान हो के जिए, या फिर खुश हो के जिए, और आप में बहुत एनर्जी आ जाए उस तरह से जिए, आपकी मर्जी। और अगर एनर्जी आ जाए तो आप वो एक्स्ट्रा एनर्जी का करोगे क्या? वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, वो आपके कई सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए टाइम टाइम देता है, आपको वक्त देता है। तो आप क्या सीखोगे? तो आपने जो सीखा वो किसी को पास ऑन करोगे, राइट? जो आपने सीखा, जो आपका यूनिक पर्सनालिटी है, जो आपने बनाया, जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बनाओगे ना, तो ये आप किसी को पास ऑन करोगे, राइट? अपनी तरह किसी को, जैसे रसेल ब्रंसन, जो डिजिटल दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं, वो बोलते हैं कि कितना भी आप अपने आप में डेवलपमेंट ला दो, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आप और ग्रो नहीं कर रहे हो, तब क्या करोगे? तब ग्रोथ ऐसे होता है कि आप जो आपने जो सीखा है आप किसी और को सिखा दो, तो आपका ग्रोथ होने लगता है, आपका मन जो है वो क्रिएटिव होने लगता है, राइट? अगर ये बात है तो फिर क्रिएटिविटी के भी तो बहुत सारे हैं पहलू हैं। क्रिएटिविटी किस में चाहिए? आप पेंटर हो सकते हो। मुझे स्टिचिंग और नीटिंग बहुत अच्छा लगता है डिजिटल वर्ल्ड के अलावा। आपको हो सकता है गाना गाने का शौक हो सकता है, आप कॉमेडियन हो, लेकिन आप नौकरी करते करते वो भूल गए हो कि कब करोगे, तो वो सब को निखारने का भी तो चाहिए ना। जरिया कहाँ है आपके पास? टाइम कहाँ है?
ऑनलाइन आने के अलावा आपके पास चारा ही कहाँ? तो वो जो माहौल आप ढूंढेंगे, कहाँ जाके तबला सिखाएंगे या फिर कहाँ जाके गाना गाएंगे, ये सब जो है ये ऑनलाइन में आसानी से हो सकता है अगर एक ग्रुप के साथ आप जुड़ें तो, जो मैंने ग्रुप बनाना शुरू किया है। इसमें ऑलरेडी मैंने 2000 लोगों को सिखाया है ऐसे करके, और मेरा जितना कैरियर स्पैन है उसमें मैंने खुद से डायरेक्टली तो नहीं सिखाया, लेकिन मैंने कुछ और लोगों को सिखा दिया, वो फिर सिखाते चले गए, तो ऐसे बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोगों को मैंने सिखा दिया, तो हर एक जन अगर 10-10 लोगों को भी सिखा दी, और ऑनलाइन से ही पॉसिबल होगा, फिजिकली जाके कहाँ कैसे कर सकते हैं, राइट? कहाँ आप जाके, इस दुनिया कभी कोविड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आप फिजिकली तो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पहुंच पाएगा ना, ऑनलाइन ही डिजिटली ही पहुंच पाइएगा। तो वो जो पहुंचना होगा, तो वो अगर मैं 1 लाख लोगों को पहुंच पा रही हूँ, तो आप क्यों नहीं पहुंच पाओगे? आप भी तो पहुंच पाओगे, लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़ेगा वो तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप मैं नहीं, मैं आप नहीं, आप में यूनिक हो, आपको जो पसंद है वो नहीं है, लेकिन करने का जो तरीका है ना, जो टेक्निक है, वो सबके लिए बराबर है, एक ही चीज है, स्किल आपका है। किसी को गाना है तो उतना ही मेहनत करना है, और किसी को डांस करना है तो उतनी ही, और तबला बजाना है तो उतनी, और फिर पेंटिंग करना है तो उतनी, डिजिटल वर्ल्ड में आना है तो उतनी। मेहनत तो हर किसी चीज में है, लेकिन डिफरेंट है, तरीका एक है, माइंड को सेट करना, माइंड को ठीक करना, राइट? तो शुरू हम माइंड को सेट करने में करते हैं, और फिर धीरे धीरे आपका जो प्रोफिशिएंसी है उसमें एक डायरेक्शन हम ढूंढते हैं कि कैसे आप ग्लोबल जो ऑडियंस है उसको आप पहुंच सकते हो, और ये करते करते आप अर्निंग भी करते हो, हर एक कोई कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट? यही टाइम है जब ये बूम हो रहा है। अच्छा हुआ कि कोविड हो गया, अब ये बोलना तो बहुत गलत बात है, लेकिन ठीक है, इसी में लोगों को पता चला कि ऑनलाइन कितना कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, राइट? तो जो आप करोगे ना, वो अगर सीखने के लिए आपको टाइम लगेगा, उस टाइम में मैं आपको हैंड होल्डिंग दूंगी, काउंसलिंग करेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेंगे, टाइम तो जाता ही है। तो इसमें जो आप इन्वेस्ट करोगे उसका कई गुना आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट? तो आप देखो, आप सोचो, और अगर आप कुछ ऐसा कुछ इन्वेस्ट करोगे जो आप आपका अगर बर्बाद हो जाए तो भी चलेगा, तो फिर ये नहीं होगा, राइट? माइंड आपको करने ही नहीं देगा, तो इसीलिए हैवी कुछ रखा है। वैसे हर हफ्ते या फिर रोज मैं यहाँ फेसबुक लाइव में आती हूँ और रोज कुछ ना कुछ सिखाती हूँ, आप सीख तो सकते हो, सीख जाओ, ऐसे कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है? आप रोज देखते रहो और सीख जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक टेक्निक को मास्टरी करनी है, और मेरा टाइम भी आपको चाहिए कि किस तरह से हम सिस्टमेटिकली करें, भाई कुछ तो 1-to-1 चाहिए ना, तो आपको कोर्स में आना हो, हर किसी को आना होता है, अदरवाइज ग्रेजुएशन की किताबें हर कहीं मिलती है, डिग्री तो नहीं मिल जाती उससे। बहुत सारे लोग हैं उसको पढ़ के भी अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो करना चाहो आप करो, ठीक है? तो यही है बोलने का, ठीक है, मिलते हैं फिर कल, थैंक यू।